हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यू फिट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ऐसी प्रोडक्ट की जानकारी लेकर आए हैं जिसके बारे में हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि हमें ट्रेडमिल कौन सा यूज करना चाहिए, और ट्रेडमिल में जैसा कि आप जानते होंगे दो टाइप का ट्रेडमिल आता है, एक मैनुअल ट्रेडमिल होता है और एक ऑटोमेटिक ट्रेडमिल होता है। मैनुअल ट्रेडमिल के बारे में हम आपको आज जानकारी देने वाले हैं कि उसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हो और कैसे आपको वो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। तो हमारे पास मैनुअल ट्रेडमिल में एक ये प्रोडक्ट आया है जिसके अंदर आपको 4-in-1 फंक्शन के साथ ये मिल जाता है। अगर आपको 4-in-1 नहीं चाहिए तो आप सिंगल ट्रेडमिल के साथ इसको ले सकते हो। 4-in-1 में आप क्या क्या कर सकते हो वो सब चीजें मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, ट्रेडमिल के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज आपको दी गई है जिसमें आप एक्स्ट्रा वर्कआउट कर सकते हो ट्रेडमिल के साथ साथ। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, ये पीछे से यहाँ पे इसमें एक ट्विस्टर लगा हुआ है जो कि आपकी वेस्ट के लिए बहुत जरूरी होता है, जो आपकी साइड्स के लिए बहुत जरूरी होता है, जैसे आपने कभी एक्सरसाइज करते हुए जिम में यूज भी किया होगा। इसके अंदर स्टील बॉडी का ट्विस्टर लगा होता है जो चलाने में काफी स्मूथ होता है, तो आप उसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। ये इसकी पोजिशन रहती है यूज करने की, और ये आपकी वेस्ट के लिए काम में आता है। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी वेस्ट के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हो। एक फंक्शन इसके अंदर ये होता है। दूसरा फंक्शन इसके अंदर दिया होता है इस ट्विस्टर के साथ ही, आप देखोगे ये पुशअप स्टैंड। ये स्टैंड आप पुशअप्स की तरह यूज कर सकते हो। जब आप पुशअप्स करते हो तो आप इसको इसमें दो एक्सरसाइज ये कंप्लीट कर सकते हो, एक ट्विस्टर और एक पुशअप स्टैंड। इसमें आप तीसरा जो एक्सरसाइज इसमें साथ में आ जाता है आपको, वो मिल जाता है स्टेपर। स्टेपर आपकी काफ की एक्सरसाइज के लिए काफी लाभदायक होता है, काफी अच्छी रिजल्ट आपको मिलते हैं। काफ एक्सरसाइज करने के लिए आपको सिंपली इसके ऊपर स्टेप रखना होता है, ये आप इस तरीके से रखते हो और यहाँ पे आप इसको चला सकते हो। ये काफ की एक्सरसाइज के लिए होता है, काफी हार्ड होता है तभी आपकी काफ के ऊपर एक्सरसाइज अच्छे से रहती है। ये पोजिशन आप काफ के लिए यूज कर सकते हो। इसके बाद ये फोल्ड भी है, आप इसको ईजी कर सकते हो। जब ये फोल्ड हो जाता है तो ये इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। अब बात आती है ट्रेडमिल की, जो इसका मेन पार्ट है। इसके अंदर मैनुअल ट्रेडमिल है जिसको आपको खुद चलाना होता है। ऑटो ट्रेडमिल में आपको पता है कि आपको बटन दबाया, स्पीड सेट की और उसके बाद आप इसको चला सकते हो। बट मैनुअल ट्रेडमिल में क्या होता है कि आपको अपनी स्पीड खुद जनरेट करनी होती है। जितनी तेज आप चलोगे उतना तेज चलेगा, या जितना स्लो आप चलोगे उतना स्लो चलेगा। तो अब मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इसको सिंपली आप जैसे वॉकिंग करते हो वैसे ही चलाना होता है। अब कोई चाहे तो इस पर रन भी कर सकता है और वॉक भी कर सकता है। तो ये मैनुअल ट्रेडमिल होता है जिसको जहां पे आप रोक दोगे वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और ये आप चलना शुरू कर दोगे तो इसके ऊपर आप वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग जो भी आप करना चाहो। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट आप चला सकते हो। ये फोल्डेबल भी होता है, इसको आप चाहिए तो फोल्ड करके रख सकते हो। ये इजी टू फोल्ड होता है, इसको आप ऐसे यहाँ पे नॉब से टाइट कर सकते हो और ये टाइट हो गया। इजी टू मूवेबल है, कहीं ले जाना है तो आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हो, ये ऐसे मूव हो सकता है। तो आज आपको हमने बताया मैनुअल ट्रेडमिल के बारे में। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। मैनुअल ट्रेडमिल और ऑटोमेटिक ट्रेडमिल में क्या फर्क होता है, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। तो यू फिट इंडिया के चैनल पे बने रहिए और हमें सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।